दोस्तों रिसेंट डेज में संसद में एक बिल पेश किया गया वक्फ बोर्ड को निरस्त करने का। एक्चुअल में वक्फ बोर्ड में सिर्फ मुस्लिम समुदाय के लिए कुछ स्पेशल कानूनी अधिकार हैं। सेक्शन 55 के अकॉर्डिंग किसी भी प्रॉपर्टी को अगर वक्फ बोर्ड क्लेम कर दे कि ये प्रॉपर्टी उनकी है तो बोर्ड को ये साबित करने की जरूरत नहीं कि ये उनकी प्रॉपर्टी है या नहीं, बल्कि जिस किसी की प्रॉपर्टी को वक्फ बोर्ड ने क्लेम किया है वो व्यक्ति ये साबित करे कि ये प्रॉपर्टी उसी की है। लेकिन इस कानून में सबसे बड़ा ट्विस्ट ये है कि आपको केस इन्हीं के ट्रिब्यूनल कोर्ट में लड़ना होगा, प्लस डिसीजन पैनल वाले भी इन्हीं की कम्युनिटी के होते हैं। ये सब लोग सेक्शन 40 के तहत आपकी प्रॉपर्टी की इंक्वायरी इसी कम्युनिटी के लोगों से करवाते हैं। इस कानून में ये भी प्रावधान है कि वक्फ बोर्ड के फैसले को किसी भी अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती, चाहे उच्च न्यायालय हो या उच्चतम न्यायालय। कोर्ट्स के अकॉर्डिंग देश में 3 सबसे बड़े लैंड होल्डर हैं, भारतीय सेना, भारतीय रेलवे और तीसरा है वक्फ बोर्ड।